जब भगवान 4 साल के थे, सडनली खेल खेल में उनको मन में आया कि राधा रानी को बुलाया उन्होंने, वो भी 4 साल की थी, लगभग 4 साल के आसपास की थी, और सडनली ये दोनों कृष्ण किशोरी का रूप धारण कर लिए, किशोर किशोरी का रूप धारण कर लिए। तो गेम खेलते खेलते में क्या हो गया, ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए, बोले अरे भगवान ने शादी का गेम खेल तो सच में कराना पड़ेगा शादी जाकर की। तो इसी स्थान पे ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, वेदी उदी बनाया पूरा, राधा कृष्ण को बिठाया यहाँ पर, और पूरा किशोर किशोरी अवस्था में टन हो गए, सारे देवता लोग आ गए, है ना। तो पूरा मंत्र उच्चारण होने लगा, मंत्र उच्चारण के साथ जो है फिर भगवान सिंदूर लगाते हैं, आपने देखा वो मंदिर में देखा ना, सिंदूर लगा रहे भगवान, सिंदूर आया तो भगवान ने राधा रानी को सिंदूर लगाया, और पूरा एकदम बैंड बाजा जब बजने लगा, पूरा सब देवता लोग नाचने लग गए, पुष्पों की वर्षा हो गई, पूरा शादी हो गया। फिर बाद में ध्यान आ, अरे ये तो शादी हो गया, मजाक मजाक में यार, राधा और कृष्ण युगल जोड़ी है, ये लोग चाहे 10,000 शादी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो नित्य रूप से राधा और कृष्ण जो है वो एक ही शरीर है, ये बात हमको समझना चाहिए। राधा कृष्ण एक शरीर, दुई तनु धरी, अन्यन विलासेरा अनेक रूप धरी। तो फिर इनको याद आता है, अरे मैं तो 4 साल का बालक अभी लोल कर रहा, बाल लीला खत्म नहीं हुआ अभी, तो ये स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हो गया, अचानक से शादी कैसे हो गया। तो फिर वापस से जो है, फिर से 15 साल के जो थे वो 4 साल बन करके जो है वो वापस से राधा रानी को भेज दिया अपने स्थान पर। ये वो स्थान है जहाँ पर जो है राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। जब हम ऐसे स्थानों में आते हैं, ये भांडिर वन और ये सब अलग अलग वनों में जा करके, तो भगवान इन स्थानों को क्यों चूज करते हैं? भगवान आप देखो पूरी जो व्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा है ना, अलग अलग जगह जा करके भगवान अलग अलग लीला, अभी हम लोग सुबह चर्चा करते, आपके मन में आ रहा होगा कि इतना दूर दूर भगवान कैसे करते होंगे, और भगवान की अष्टकाल लीला होती है, जैसे भगवान का टाइम फिक्स है, सुबह 5 बजे उठ करके भगवान यहाँ जाएंगे, फिर 10 बजे का कुसुम सरोवर के पास जाएंगे, हाँ फिर 12 बजे इधर जाएंगे, रात को उधर वंशी और वृंदावन जाएंगे, तो कैसे करते हैं? आप एक बात समझिए कि ये सारी जो प्रकृति है ये भगवान के अधीनता में चलती है। माया अध्यक्षिणा प्रकृति सुयते सचराचरम, चर और अचर जो है भगवान की अध्यक्षता में चलती है। तो जैसी भगवान को लीला करने का मूड होगा, जैसी तो वैसी जो है सारे चीजें अपने आप भगवान को प्लेजर देने के लिए हो जाती है। सूर्य भी जो है ना वो अपना ताप कम कर देता है, अगर ज्यादा धूप लग रहा है तो ताप कम कर देगा, और अगर भगवान को गर्मी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वृंदावन में देखे हो कालिया धाम में जो था, जब भगवान कालिया के ऊपर डांस करके आए यमुना में, तो बहुत ठंड लग रही थी भगवान को, क्योंकि पूरा यमुना में बहुत दिन बहुत देर तक रहे। तो जैसे ही भगवान निकल करके आए तो सूर्य जो है ना अपने आप को 12 रूप में प्रकट कर, मतलब 12 सूर्य एक साथ भगवान को ताप दे रहा था, इसलिए वहां का नाम पड़ा द्वादश आदित्य टीला। द्वादश मतलब 12, आदित्य मतलब सूर्य, टीला मतलब पहाड़। तो वो जो मदन मोहन में जो मंदिर आप देखते हो वो द्वादश आदित्य टीला पे है, क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान को ताप दे रहा है कि भगवान को गर्मी लगे, भगवान को ठंड न चढ़े, है ना। वैसे ही अगर मान लो भगवान को कुछ मन, इनफैक्ट इतने वृंदावन के जो वासी हैं या जो है पेड़ पौधे हैं वो इतने भगवान की लीलाओं को लेकर सेंसिटिव हैं कि जैसे मान लो अगर भगवान को कुछ मंद हवा चाहिए तो क्या होगा, फूल जो है वो महकता है एकदम, जैसे मान लो चंपक, चमेली, लिली, ये सब वो चमकते हैं। और क्या होगा, यमुना जब बह रही है तो हवा जो है वो हवा इन फूलों का महक को लेकर के आती है, और यमुना से कुछ जल जो है वो इवेपरेट होकर के उस हवा में बहता है, और भगवान के शरीर को ठंडा ठंडा हवा लगता है और उनको महक लगता है ऐसा। तो सारी जो हवाएं, फूल पत्तियां, ये पेड़, ये सब भी भगवान के सेवाओं के लिए तत्पर है। जब भगवान चलते हैं यहाँ पर तो सब पेड़ झुक जाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी जो है ये सब झुक गए थे पेड़, और ये फलों को अपना नीचे कर देता कि भगवान को छाव लगे, क्यों? जमीन खुद सतह जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है ताकि भगवान को कंकड़ न चुभे। तो ये लोग सब एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं ताकि भगवानी लीला में एकदम बेस्ट टू बेस्ट हम दे पाए, अपना कर पाए, क्योंकि सारे भगवान की अध्यक्षता में। बड़े सा क्यों? क्योंकि ये सब भगवान से प्रेम करते हैं, ये भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, व्रजवासी के साथ भगवान का सहज प्रेम है। इसीलिए कृष्ण लीला को समझना बहुत मुश्किल है, जिसके पास प्रेम चक्षु नहीं है
वो कृष्ण को नहीं समझ सकते।